Hi friends, this is from JS Global Institute and I am going to upload a video of idioms. So friends, मेरे को बच्चों ने बताया कि उनका writing score जो है वो stuck हो चुका है, यानी कि 5.5 पे, कईयों का 6 पे, कईयों का 6.5 पे. So friends, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि idioms जो है वो बिल्कुल हमारे vocabulary की तरह काम करते हैं. अगर हम हमारी writing module के अंदर idioms को include करेंगे, तो हमारा जो writing module है, उसका band score increase होता जाएगा. So इस video में मैं आपको कुछ idioms के बारे में बताऊँगी, जो अगर आप अपनी writing में include करोगे 2 से 3, तो आपका जो writing score है, वो increase होता जाएगा. So let's start. जैसे-जैसे मैं आपको idioms बताती जाऊंगी, साथ में मैंने उनके meanings mention करे हैं और साथ में मैंने एक example ली है ताकि आपको पता चल सके कि आपने sentence में उसको use कैसे करना है. So first idiom is set in their ways, यानी कि not wanting to change. कोई इंसान अगर अपनी किसी चीज़ को चेंज नहीं करना चाह रहा है, तो हम उसके लिए मुहावरा या फिर idiom जो use करेंगे, that would be set in their ways. तो इसको मैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करूँगी? His grandparents are set in their ways. They won't use technology for their daily routine. कि उसके grandparents जो हैं वो set in their ways हैं, यानी कि वो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते और वो टेक्नोलॉजी को अपनी डेली रूटीन में नहीं लाएंगे. Let's move to the second idiom. Go the extra mile. That is, do much more than extra is required. तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा, तो फिर हम उसके लिए जो idiom यूज़ करेंगे, that would be go the extra mile. इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? He went to the extra mile in order to achieve his goals. कि उसने अपने goals को अचीव करने के लिए जितना उसको एफर्ट करना था उससे ज़्यादा उसने किया. नेक्स्ट इज अ हॉट पटेटो, यानी कि इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्शियल या फिर कंटेंशियस इशू हो. अब ये जो है कंटेंशियस, ये इसका वोकेबलरी वर्ड भी है कॉन्ट्रोवर्शियल का, तो आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो और इसकी जगह पे आप एक idiom भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अ हॉट पटेटो. तो इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे? चाइल्ड मैरिज यूज़ टू बी अ हॉट पटेटो इन एंशियंट टाइम्स. कि पुराने टाइम्स में चाइल्ड मैरिज जो होती थी वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू होती थी. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ मिस द बोट, जिसका मतलब होता है मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी. अगर किसी ने कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, तो उसके लिए जो हम idiom यूज़ करेंगे, दैट वुड बी मिस द बोट. इसको हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? ही गॉट अ जॉब लेटर फ्रॉम एन MNC, बट Due to his negligence, he missed the boat. कि उसको जॉब लेटर मिली एक MNC से, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी. तो अगर आप इसकी जगह मिस द बोट लिखोगे, तो दैट विल इंक्रीज योर बैंड स्कोर. फ्रेंड्स, एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जब आप टास्क 1 लिख रहे हो, उसमें आपने ये idioms को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो या तो आपका ग्राफ होता है या फिर आपका लेटर होता है, तो उसमें आपको फॉर्मल रहना होता है या फिर ट्रेंड फॉलो करना होता है, तो उसमें आप idioms नहीं यूज़ करोगी. ये जो idioms आपको बताए जा रहे हैं, ये आपको टास्क 2 के अंदर इंक्लूड करने हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें हम ऐसे लिखते हैं, और जितना ज़्यादा हम ऐसे को इम्प्रेसिव बनाते जाएंगे, idioms को यूज़ करते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो बैंड स्कोर है वो इंक्रीज होता जाएगा. सो लेट्स मूव टू द अदर idioms, दैट इज़ वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि वेरी रेयर. वो सिचुएशन जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, तब हम यूज़ करते हैं वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है? तो इसका सेंटेंस कैसे होगा? ही डज स्मोकिंग वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि वो स्मोकिंग जो है वो बहुत रेयर करता है, बहुत कम करता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कि ही डज स्मोकिंग वंस इन अ ब्लू मून. ओके, नेक्स्ट इज सिट ऑन द फेंस. सिट ऑन द फेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई इंसान कोई डिसीजन नहीं दे रहा होता है, ना तो वो येस की तरफ जा रहा होता है, ना नो की तरफ, या फिर कोई भी डिसीजन को पेंडिंग रख रहा होता है, तो फिर हम तब idiom यूज़ करते हैं सिट ऑन द फेंस. और इसका इंग्लिश में मतलब हम क्या लिख सकते हैं? टू बी अनडिसाइडेड. और अगर हम इसको सेंटेंस में लिखेंगे, तो यू कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, यू नीड टू मेक अप योर माइंड. आप ज़्यादातर अपने डिसीजन को पेंडिंग नहीं रख सकते हो, आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना ही पड़ेगा.
ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन यूज़ दिस idiom, दैट इज सिट ऑन द फेंस. नेक्स्ट idiom इज अ पीस ऑफ केक. जब कोई टास्क आपको बहुत ईजी मिल जाए, यानी कि अगर मान लीजिए अगर किसी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसको आसानी से जॉब मिल गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसको अ पीस ऑफ केक मिल गया. ठीक है, यानी कि उसको सब कुछ ऐसे परोसा हुआ ही मिल गया, उसको खुद से एफर्ट नहीं करना पड़ा. तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द बॉय फाउंड द प्रोजेक्ट टू बी अ पीस ऑफ केक बिकॉज इट वॉज इनक्रेडिबली ईजी. बॉय को वो जो प्रोजेक्ट मिला था वो एक पीस ऑफ केक की तरह लगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आसान था. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, या फिर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, या इवन गवर्नमेंट को भी अगर कुछ परचेज़ करना है या फिर कुछ इस्टेब्लिश करना है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा हो, तो फिर हम वेरी एक्सपेंसिव की जगह कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग भी लिख सकते हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वर्ड वेरी यूज़ करते हैं. तो ये जो वर्ड है वेरी, ये बहुत ज़्यादा लेज़ी वर्ड है, इसको इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती हमारे टास्क के अंदर. तो अगर हम वेरी को अवॉइड करें तो दैट वुड बी फ्रूटफुल फॉर अस. अगर हम वेरी की जगह कुछ और यूज़ करें, जैसे यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, तो अगर हम इसकी जगह कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग लिखेंगे तो दैट वुड मेक आवर राइटिंग इम्प्रेसिव. इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? बाइंग रॉयल इनफील्ड बाइक वुड कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग. कि अगर वो रॉयल एनफील्ड की बाइक को परचेज़ करेगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी. ठीक है, इसको हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, मान लीजिए कि ट्रेन्स में कोई सर्विस अनाउंस करनी है, तो अगर वो गवर्नमेंट को बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी तो हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इट मे कॉस्ट गवर्नमेंट एंड या फिर अ कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट idiom. अ ड्रॉप इन द ओशन दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिगर. जैसे कि हम कह सकते हैं कि समुद्र में एक बूंद डालने के जैसे, या फिर उसके बराबर अगर कोई चीज़ हो, कि मतलब बहुत छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन हो उसका, तो फिर हम ये idiom को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? प्लांटिंग ट्रीज एट स्कूल लेवल वुड बी इक्वल टू अ ड्रॉप इन द ओशन. वी हैव टू प्लान बिगर टू सेव आर एनवायरमेंट. कि अगर हम स्कूल लेवल के ऊपर ट्रीज़ को प्लांट करते हैं, ऑल दो इट इज़ अ एफर्ट, ठीक है वो एफर्ट है, लेकिन इट इज़ अ ड्रॉप इन अ ओशन, ये एक समुद्र में एक बूंद के बराबर है. अगर हमें हमारे एनवायरमेंट को या फिर हमारे अर्थ को सेव करना है, तो हमें कुछ अच्छा और बड़ा प्लान करना पड़ेगा. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. And if you really like our video, please press the like button and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.